हाइस्ट सीजन 3 का एपिसोड 2। यदि आपने सीजन 1 और 2 नहीं देखा है तो मैंने डिस्क्रिप्शन और आई बटन में उसका लिंक दे दिया है, आप वहां से जाकर देख सकते हैं। एपिसोड 3 की शुरुआत होती है और हम देखते हैं खूबसूरत से मैड्रिड शहर को। देखते ही देखते आसमान से नोटों की बारिश होने लगती है और लोग सड़कों पर उतर उस पैसे को लूटने लगते हैं। और दरअसल नोटों की बारिश करना और लोगों को सड़कों पर उतारना ये प्रोफेसर के प्लान का हिस्सा होता है, क्योंकि प्रोफेसर की टीम इसी मौके का फायदा उठाकर बैंक ऑफ स्पेन में घुसने वाली थी। प्रोफेसर के प्लान के मुताबिक वो सारे गुब्बारे के स्पेसिफिक कोऑर्डिनेट पर जाने के लिए तैयार किए गए थे और उस कोऑर्डिनेट पर पहुंचते ही सभी गुब्बारे 250 मीटर के दायरे में उड़कर 50 मिनट तक हर 40 सेकंड पर पैसे की बारिश करते थे और उस दिन आसमान से करीबन 140 मिलियन यूरोस की बारिश होती है। फिर हम देखते हैं प्रियतो को, जो की सेंट्रल इंटेलिजेंस का हेड होता है और रॉयल मिंट ऑफ स्पेन के चोरी के दौरान यह रकेल के साथ काम कर चुका होता है। तभी उसके फोन की घंटी बजती है। फोन उठाने पर उसे पता चलता है मैड्रिड शहर में बैंक ऑफ स्पेन के पास आसमान में उड़ते कई गुब्बारे देखे गए हैं और उस गुब्बारों से पैसे की बारिश की जा रही है। बात को कंफर्म करने के लिए प्रियतो खिड़की से बाहर देखता है और सच में पाता है कि मैड्रिड शहर के ऊपर कई गुब्बारे उड़ रहे हैं। वो सेंट्रल इंटेलिजेंस में ऑर्डर देता है उसे यहाँ चप्पे चप्पे पर आर्मी चाहिए, क्योंकि प्रोफेसर ऑलरेडी पूरे शहर के सामने ये अनाउंस कर रखा था कि गवर्नमेंट ने उसके एक आदमी को इलीगली कैद कर रखा है और उसके साथ थर्ड डिग्री टॉर्चर किया जा रहा है, इसलिए ये लोग उनका मुंह तोड़ जवाब सदी की सबसे बड़ी चोरी करके देने वाले हैं। इसलिए प्रियतो को समझते देर नहीं लगता ये लोग बैंक ऑफ स्पेन से सोना चुराने वाले हैं। प्रियतो के आदेश पर बैंक ऑफ स्पेन में आर्मी की टुकड़ी आने को तैयार थी और इधर प्रोफेसर के आदमी आर्मी की ड्रेस पहने बैंक ऑफ स्पेन में घुसने को तैयार थे। इधर प्रोफेसर और उसकी प्रेमिका रकेल शहर से दूर एक वैनिटी वैन में अपनी टीम से कनेक्टेड होते हैं ताकि पिछली बार की तरह ही बाहर रहकर बाहर की हलचल को भाप सके और प्लान को परफेक्टली ऑपरेट कर सके। चूंकि प्रोफेसर के पास अब पैसे ही पैसे होते हैं, इसलिए वो 65 पाकिस्तानी हैकर को चोरी के 3 हफ्ते पहले से ही हायर कर चुका होता है। उसकी मदद से प्रोफेसर CNI और हर एक पुलिस के मोबाइल फोन को हैक कर चुका था, यानी उसके पास सभी डिफेंस स्टाफ के मोबाइल फोन का एक्सेस होता है। वे लोग जब चाहे उनके मोबाइल फोन के कैमरा, GPS या माइक्रोफोन को एक्टिवेट कर कोई भी जानकारी ले सकते थे। प्रोफेसर उनके फोन को हैक कर किसी तरह ये पता लगाने में कामयाब हो जाता है कि 6B पैक की पहली प्लेटून की एक आर्मी टुकड़ी बैंक ऑफ स्पेन के अंदर जाने वाली है और प्रोफेसर का प्लान होता है कि उस 6B पैक की पहली प्लेटून की आर्मी टुकड़ी की जगह उसके आदमी बैंक के अंदर घुस जाएं। जब प्रोफेसर के आदमी बैंक ऑफ स्पेन के पास पहुंचते हैं तो वे लोग पाते हैं कि भीड़ में सभी लोगों ने उसी मास्क को पहने हुए है जिसका इस्तेमाल उन्होंने चोरी के दौरान किया था, यानी वहाँ की भी प्रोफेसर को सपोर्ट कर रही होती है और वे लोग प्रोफेसर को अपना इंस्पिरेशन मानने लगे थे। इधर पैलेरेमो बैंक के गेट पर मौजूद पुलिस वालों से कहता है कि हमें यहाँ के सिक्योरिटी हैंडल करने के ऑर्डर्स हैं, इसलिए हमारे कन्वे को बैंक के अंदर जाने दिया जाए, पर पुलिस इस बात से इनकार करते हुए कहती है कि हमें ऐसा कोई ऑर्डर नहीं मिला है, हमें सिर्फ तुम्हारे साथ कोऑपरेट करने के ऑर्डर मिले हैं पर कॉन्वे को अंदर लेने का नहीं। इसलिए पुलिस अपने वॉकी से डिफेंस हेडक्वार्टर में कॉल करता है और कॉन्वे को बैंक के अंदर लेने का ऑर्डर मांगता है, पर इस चीज के लिए प्रोफेसर पहले से ही तैयार बैठा था। चूंकि उसके पास पूरे डिफेंस हेडक्वार्टर के नेटवर्क का एक्सेस होता है, इसलिए उनके फोन को हैक कर अपने आप को कर्नल बताकर कॉन्वे को बैंक के अंदर लेने का ऑर्डर देता है और इसी तरह प्रोफेसर के आदमी बैंक ऑफ स्पेन में घुसने में कामयाब हो जाते हैं। अंदर पहुंचकर प्रोफेसर के आदमी प्लान आइकिडो शुरू करते हैं। वेल, आइकिडो का मतलब होता है अपने दुश्मन की ताकत को उन्हीं के खिलाफ यूज करना, यानी प्रोफेसर की टीम बैंक के बाहरी दीवारों पर बॉम्ब लगाती है और इसको अंजाम देने में इन लोगों की मदद खुद पुलिस करती है, क्योंकि उस समय पुलिस स्मोक बॉम्ब से सिविल्स को वहां से दूर भगा रही थी और इसी स्मोक का फायदा उठाकर प्रोफेसर के आदमी बैंक के दीवारों पर बॉम्ब लगाने में कामयाब हो जाते हैं। बैंक के अंदर पैलेरेमो इवैक्यूएशन प्रोटोकॉल शुरू कर बैंक मौजूद सभी बैंक स्टाफ को बैंक की सिक्योरिटी गार्ड की मदद से हॉल में इकट्ठा करवाता है और इधर बैंक के बाहर प्रोफेसर के आदमी पुलिस वालों की मदद से ही चोरी में यूज होने वाली सभी जरूरी चीजों को बैंक के अंदर लाता है, यानी इस प्लान को अंजाम देने के लिए खुद पुलिस की मदद करती है। एंड इट मींस आइकिडो पैलेरेमो एक्स्ट्रा होस्टेजों को बैंक के सिक्योरिटी की मदद से बाहर निकलवा देता है और उसके एक बटन दबाने के साथ ही बैंक के दीवारों पर लगाए बम एक जोरदार धमाके के साथ फट जाता है और इसी के साथ खत्म होता है मनी हाइस्ट सीजन 3 का एपिसोड 2। आगे प्रोफेसर अपने प्लान को किस तरह एग्जीक्यूट करता है ये आपको अगले एपिसोड में जानने को मिलेगा और यदि आपने पहले के सीजन को नहीं देखा है तो मैंने डिस्क्रिप्शन और आई बटन में उसका लिंक दे दिया है, आप वहां से जाकर देख सकते हैं। यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब करना और कोई सजेशन हो तो कमेंट में जरूर बताना ताकि मैं आपके लिए और भी बेहतर वीडियोस बना सकूं। तो दोस्तों मिलते हैं एक नई वीडियो और एक नई एक्सप्लेनेशन के साथ। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।